सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 तारीख को, उसका हम एक अनुमानित पेपर लेकर आए हैं आप लोगों के साथ, जो कि भूगोल का रहने वाला है, या जिसे भौतिक भूगोल हम लोग कहते हैं, फिजिकल जियोग्राफी जिसका भी सब्जेक्ट होगा, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जो है एक गैस पेपर जिसे कहते हैं उसको सॉल्व, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जियोग्राफी का जो पेपर आने वाला है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या अनुमानित प्रश्न जिसे कह सकते हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोगों की कमेंट आएगी तो इसका जो है सॉल्व पेपर भी हम लोग निकालेंगे। तो आज हम लोग केवल क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन प्रश्न रहने वाला है वो है, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, इस कथन को जो है स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों को ये भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल से संबंधित जितने भी टॉपिक्स मिलते हैं आपकी बुक्स में, उसको आप लोगों को डिस्कस कर, मतलब एक बार पढ़ लेना है, ताकि आप लोग इसका जो है आंसर पेपर में दे सकें। या फिर भौतिक भूगोल क्या है, इसके प्रमुख मंडलों की जो है विवेचना करना है, ठीक है। तो इस एक यह एक ही प्रश्न है, या तो आपका ये पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरे प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो सौरमंडल के उपग्रहों की जो सौरमंडल के ग्रह हैं उसको संक्षेप में समझाइए, जो सौरमंडल के ग्रह हैं उनको संक्षेप में समझाइए, और सौरमंडल के ग्रह से संबंधित जो लाप्लास की निहारिका की परिकल्पना है ना, जो लाप्लास एक वैज्ञानिक थे उनकी जो निहारिका परिकल्पना थी उसकी जो है व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, इससे भी प्रश्न में फंसने के बहुत चांस है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों ने एक अनुमानित पेपर के लिए लिया है वो है वेबनर, ये वेगनर लिखा है, ठीक है। वेगनर के शाम में स्थापना या JIG 100 फीट से क्या तात्पर्य है, विस्तृत वर्णन कीजिए। आप लोग अपने बुक को खोल के देखिएगा, उसमें ये आप लोगों को सब मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वैसे ढूंढने में कठिनाई आ रही है तो कमेंट, अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा रहता है या आप लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं कि इसका सॉल्व पेपर लाइए, तो हम इसका जल्द ही सॉल्व वर्जन भी लेकर आएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भू संतुलन से क्या आशय है, इसके संदर्भ में भूकंप तथा ज्वालामुखी का वर्णन कीजिए। कि अगला क्वेश्चन है, अगला पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिका को समझाइए, ठीक है। ये बिग प्रश्न है जो आपके प्रश्न पत्र में रखे हुए बिल्कुल सेम टू सेम मिल सकते हैं, ठीक है। चट्टान से क्या अभिप्राय है, चट्टानों का वर्गीकरण उदाहरण सहित समझाइए, जैसे कि आपकी जो चट्टानें होती हैं उनका जो है उदाहरण सहित वर्गीकरण आपको समझाना, और चट्टानें क्या होती हैं इनको भी आपको समझाना, ठीक है। अगला जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है, डेविस के भौगोलिक चक्र की व्याख्या कीजिए, यानी कि डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसकी व्याख्या कीजिए तथा पेंग के मत को समझाइए। दो वैज्ञानिक हैं ये डेविस और पेंग, इन्होंने कुछ संदर्भ दिए हैं या जिसे कह सकते हैं सिद्धांत दिए हैं, उनको जो है डिस्कस करना है, ठीक है, इनको ड्राइव करना है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नदी या वायु अपरदन क्या है, इससे निर्मित भू आकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि नदी और जो वायु जो है बहती हैं, नदी भी बहती है वायु भी बहती है, तो इसके द्वारा जो भू आकृतियों का निर्माण होता है या अपरदन जिसे हम लोग कहते हैं, उनके द्वारा कहीं कहीं भी देखना आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से घाटियाँ बन जाती हैं, कुछ इस प्रकार से घाटियाँ बन जाती हैं, तो उसके जो है सचित्र वर्णन उनका करना है, ठीक है। अगला जो हमने क्वेश्चन लिया वो है, भूमिगत जल के कार्यों से संबंधित भूदृश्यों की विवेचना कीजिए, इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग और में भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, हिमोड क्या है और ड्रमलिन एवं एस्कर, इसके अलावा मौसमी हवाएँ, स्थानीय हवाएँ और सूर्याभिताप क्या है, ये आपके टिप्पणी कीजिए, मैं एक पेपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। वायुमंडल क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है, इसकी संरचना उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, जो वायुमंडल है उसकी जो है संरचना की उदाहरण सहित व्याख्या करना है, ठीक है। हमने टोटल 15 क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग 14 मान के चलें, क्योंकि ये एक ही प्रश्न बन जाता है और दो प्रश्न हमने पहले ही कंबाइन कर लिए, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन आपके भूगोल विषय में जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे आपके पेपर में, इनको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको कन्फर्म है कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है, महासागरीय तली के उच्चावच स्वरूपों की व्याख्या कीजिए तथा लहरों का वर्णन कीजिए। तो महासागरीय तली के जो भी लेसन आपके बुक में मिल रहा है
तो उसको आप लोगों को पढ़ के जाना, ठीक है। जैम मंडल की संकल्पना के प्रमुख संगठनों की विवेचना संक्षिप्त में कीजिए। तो जैम मंडल के संकल्पना के प्रमुख जो संगठक हैं उनकी आपको विवेचना करना है, और जीवों क्या है इसकी विस्तृत विवेचना कीजिए। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि भौतिक भूगोल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे भौतिक भूगोल के पेपर में, जो कि 29 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आप लोग ये पढ़ के जाइएगा तो आपके पासिंग मार्क्स कोई नहीं डाल सकता, ठीक है। नहीं, मैं आपको कंफर्म है कि आपको पासिंग मार्क्स और प्लस आपके बेहतरीन नंबर लाने में भी ये मदद कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी जो वीडियो है अच्छी लगी हो, या इसी प्रकार से और सब्जेक्ट के अगर आप लोग पेपर चाहते हैं गैस पेपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो पर, ताकि हो सके तो हम आपके लिए सॉल्व पेपर भी इसी पर ला सकें। अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा रहता है तो तब जाके हम लोग इसको जो है सॉल्व पेपर लाने की कोशिश करेंगे। अगले सब्जेक्ट के पेपर लाने के लिए अगला जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट जो है आपका, उसको जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिएगा कि हमें इस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो है हम लोग कोशिश करेंगे उसका गेस्ट पेपर बनाने में। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।